स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टूडेंट कुछ दो तीन दिन पहले की बात है कि मैंने एक वीडियो बनाया था रिसेशन पे जिसपे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम एफ डी और फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होते हैं इस पर एक वीडियो बना दीजिए तो मैंने सोचा देरी किस बात की लीजिए वीडियो एफ डी आई एफ पी आई और फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पे सो वेलकमिंग यू ऑल टू यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी आई क्यू मेरा नाम नान की पवेजा है एंड स्टूडेंट आज हम बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट लेकिन अक्सर जिसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे कि एफ क्या होते हैं और एफ क्या होते हैं किस तरीके से ये डिफरेंट है एक दूसरे से और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो विद वॉट एफ डी आई एंड एफ पी आई इज तो बिफोर गोइंग इन टू डेफिनेशन की लिटरल सेंस में क्या मतलब है किस तरीके से डिफाइन किया गया है ठीक है ना पहले तो मैं आपको सिमिलैरिटीज दिखाती हूँ कि इसमें क्या है तो स्टूडेंट्स अगर आप पढ़ोगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विच इज एफ पी आई तो दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों फॉरेन सोर्सेस से दोनों में ही फॉरेन है मतलब एंड द वर्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो डोमेस्टिक सोर्स से नहीं आ रही है फॉरेन सोर्स मतलब आउटसाइड दी टेरिटरी ऑफ दी कंट्री से आ रही है मतलब कोई फॉरेन पर्सन आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको या तो बोला जाएगा एफडीआई या बोला जाएगा एफपीआई तो डिफरेंस का आ रहा है वर्ड डायरेक्ट में वर्ड डायरेक्ट में और वर्ड पोर्टफोलियो में अब ये वर्ड पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स जब भी हम स्टॉक मार्केट में जब भी हम स्टॉक मार्केट में आप जैसे मुझसे जैसे लोग जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा थोड़ी कि अपना सारा का सारा पैसा एक ही स्टॉक में हो सकता है वो कोई आदित्य बिरला टाटा रिलायंस एल जी एशियन पेंट्स एक में ही थोड़ी इन्वेस्ट कर देते हैं हम बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ बनाते हैं अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं कुछ शेयर्स हम मेटल इंडस्ट्री से लेंगे कुछ शेयर हमारे जो होंगे वो फार्मा स्टॉक्स में होंगे कुछ हम अपना पैसा लगाएंगे एफ एम सी जी स्टॉक्स में तो हम क्या बना रहे हैं अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो यही यही इन दो वर्ड्स का डिफरेंस है मतलब हमें ये चीज़ तो कंफर्म है कि फॉरेन सोर्स से इन्वेस्टमेंट आ रही है अब फॉरेन सोर्स के इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके दो प्रकार होते हैं एक तो एफ भाई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा है एफ तो आइए चालू करते हैं इनकी डेफिनेशन से एज टू वट डू दे टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम एफ की बात करते हैं सो फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ पार्टी फ्रॉम वन कंट्री मतलब कोई एक इन्वेस्टमेंट करी जा रही है फ्रॉम अ पर्सन और अ कंपनी जो दूसरी कंट्री में रहती है कहाँ पे करी जा रही है बिजनेस में कहा करी जा रही है बिजनेस और कॉरपोरेशन में ठीक है ना इन अनदर कंट्री मतलब एक कंट्री हो गई यूएसए और दूसरी कंट्री होनी चाहिए कुछ भी इट कुड बी इंडिया इट कु सिंगापुर इट कुड बी हांगकॉन्ग मतलब ऐसा नहीं है कि यूएसए अपने यूएसए की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे एफ बोला जाएगा क्यों क्योंकि मैंने बोला था ये तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी लेकिन हमने क्या पढ़ा था इट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरन इन्वेस्टमेंट तो यू जब इंडिया में यूएसए जब यू इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तभी वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और हम बात कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तो जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है इट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ पार्टी फ्रॉम वन कंट्री इनटू अ बिजनेस और कॉरपोरेशन इन अनदर कंट्री दूसरी कंट्री के किसी बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं विद द इंटेंशन इंटेंशन क्या है इन्वेस्ट करने का स्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप फॉर एन एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल मार्क जुकरबर्ग को लगता है कि उनको रिलायंस इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए वो भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए या उनके भी कुछ राइट्स होने चाहिए तो वो क्या करेंगे वो करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस में रिलायंस इंडस्ट्रीज में रिलायंस इंडस्ट्रीज के असेट्स में उनकी कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे ताकि ताकि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप स्टेब्लिश हो सके ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके इन मैनेजमेंट प्लस कंट्रोल ऑफ द कंपनी ठीक है इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इट इज़ अ मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी इन्वेस्टमेंट है कौन सी इन्वेस्टमेंट फॉरेन सोर्स से आती हुई फॉरेन कंट्रीज से आती हुई इन्वेस्टमेंट है इन विच जो इन्वेस्टर होता है होल्ड सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल असेट्स इन दी अदर कंट्रीज सेम एग्जाम्पल लेते हैं मार्क जुगरबर्ग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलायंस में करना चाहते हैं हो सकता है उनका इंटरेस्ट फ्लिपकार्ट में हो हो सकता है उनका इंटरेस्ट स्विगी में हो सो वेन मार्क जुकरबर्ग वेन मार्क जुकरबर्ग ठीक है ना इज इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनी ठीक है ना वाया स्टॉक मार्केट वाया स्टॉक मार्केट ठीक है ना दैट इज वॉट इज नोन एज फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक पोर्टफोलियो बना रहे जैसे आप और मैं बना रहे थे ना अभी फार्मा स्टॉक्स का एफ एम सी जी स्टॉक्स का मेटल स्टॉक्स का तो अगर इसी तरीके से मार्क जुगरबर्ग इंडिया इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं अब वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मतलब आके शेयर्स हाँ शेयर्स खरीदेंगे खरीदेंगे नहीं तो डिबेंचर्स किसके वो किसी ना, किसी ना कंपनी के ही होंगे तो जो ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसका ऑपोजिट हमने क्या पढ़ा था फॉरन डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट क्या डायरेक्टली इन टू दी कंपनी तो कंफ्यूज नहीं होना है डायरेक्ट से आपको याद आना चाहिए कि डायरेक्ट direct मतलब डायरेक्टली इन टू द कंपनी द पर्सन इज इन्वेस्टिंग तो जैसे ही कंपनी में इन्वेस्ट होगा पैसा तो कंपनी के पास पैसा जाएगा कौन सी कंपनी के पास इंडियन कंपनी के पास और उस मनी को इंडियन कंपनी यूज़ कर सकती है एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कोई अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ना ऑलरेडी दो जगह फैक्ट्री थी तीसरी जगह स्टेब्लिश करने के लिए या दो जो फैक्ट्रीज थी उनकी कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए तो ये फायदा होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जब होती है तो कोई सा भी पैसा कंपनी के पास डायरेक्ट नहीं जाता कंपनी के शेयर्स कोई खरीद लेता है मार्केट में से ठीक है ना कोई जब फॉरेन व्यक्ति कोई फॉरेन एंटिटी या इंडिविजुअल आके अगर इंडियन कंपनीज के शेयर मार्केट में आके खरीद लेता है और जैसे ही उसके दाम बढ़े बेच के निकल जाए दैट इज़ वॉट इज़ फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कोई भी पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी के पास नहीं पहुँचता है

वापिस अपने घर तो आइए चलिए एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या होता है सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट से याद आ जाना चाहिए उसी टाइम ही कंफ्यूज नहीं होना है अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट direct मतलब डायरेक्टली इन टू दी पर्टिकुलर कंपनी सो इट रेफर्स टू दी इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इन्वेस्टर हमें पता था देखो ये हमें पता है कि दोनों के केस में इन्वेस्टमेंट जो आ रही है बाहर से आ रही है फॉरेन सोर्स से आ रही है एफडीआई में डायरेक्टली इन टू दी कंपनी हो रही है टू अपटेन सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन दी एंटरप्राइज लेकिन पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है बस फाइनेंशियल खरीदे द पर्पज इज शॉर्ट टर्म मॉनिटरी गेंद जैसे ही जैसे ही शेयर्स का प्राइस बढ़ा स्टॉक्स बेचे शेयर्स बेचे डिबेंचर्स भेजे और पैसे बेच के अपने कंट्री में रवाना रोल ऑफ इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका क्या रोल होता है बहुत ही एक्टिव इन्वेस्टर होता है बहुत ही एक्टिव रोल होता है कहाँ इन दी मैनेजमेंट ऑफ दी कंपनी वेयर एज एफ में एज सच देर इज नो रोल क्यों क्योंकि कोई मैनेजमेंट में हमें हिस्सा चाहिए था इस पर्सपेक्टिव से हमने इन्वेस्ट नहीं किया था हमें तो मॉनेटरी गेंस चाहिए थे कि जैसे ही हमें पता चला कि शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स बढ़ने वाले हैं तो उसके शेयर्स खरीदेंगे बढ़ेंगे और लेकर निकल जाएंगे टाइप इट इज अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इट इज एन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल किसके पास किसके डिग्री ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है इन्वेस्टर की मार्क जुकरबर्ग के इन्वेस्टमेंट कंट्रोल की तो क्या कंट्रोल आएगा उनके पास कंट्रोल आएगा डेफिनेटली एफडीआई में देर इज हायर डिग्री ऑफ कंट्रोल क्योंकि इसी एजेंडा से तो इन्वेस्टमेंट करी गई थी रिलायंस में वेर एज एफ पी आई में देर इज नो कंट्रोल क्योंकि हमारा कोई ऐसा एजेंडा ही नहीं था एजेंडा होता तो हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते ना एंड द लास्ट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है साथ ही साथ स्टेबल होती है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए करी जाती है सिंस इट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इट इज मोर स्टेबल और यहाँ पे पर्पज क्या होता है सिंस शॉर्ट टर्म मॉनिटरी गेन्स एजेंडा होता है ऑब्जेक्टिव होता है तो ये जो इन्वेस्टमेंट होती है शॉर्ट टर्म पर्पज से होती है ठीक है ना और इसी वजह से इसी वजह से ये ज्यादा वॉलेटाइल भी होती है इसी वजह से ये ज्यादा वॉलेटाइल भी होती है ठीक है तो ये हमने देख लिया डिफरेंस बिटवीन एफ डी आई एंड एफ पी आई अब फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है भाई जो फॉरन से आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो इन्वेस्टर हो गया ये तो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे थे कंफ्यूज मत करना कि एफ डी आई और एफ आई आई और फॉरन इंस्टीट्यूशनल या सॉरी एफ डी आई कन्फ्यूज मत करना इसको कि एफ डी आई एफ पी आई और एफ आई आई में डिफरेंस क्या होता है एफ डी आई और एफ पी आई टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई किस टाइप की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मेरअ एफ आई आई इज एन इन्वेस्टर हिमसेल्फ जो इन्वेस्ट कर रहा है आपके यहाँ आके इज वॉट इज फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ठीक है ना ये कोई एक पर्सन भी हो सकता है या कंपनी भी हो सकती है दैट इन्वेस्ट इन अ कंट्री अदर देन वेयर इट इज रजिस्टर्ड भाई दूसरी कंट्री में जाके करोगे तभी तो फॉरेन कहलाए जाओगे ना खुद की कंट्री में कर दोगे तो डोमेस्टिक हो गए और इट हैज़ इट्स हेड क्वार्टर मतलब हमें दूसरे जहां हमारे हेड हेडकोार्टर्स है वहां नहीं जहां हम लोकेटेड या एसोसिएटेड या इस्टबलिश है वहां नहीं दूसरी कंट्री में जाके इमर्जिंग इकोनॉमीज बेनिफिट्स इमर्जिंग इकोनॉमीज़ बेनिफिट्स फ्रॉम एफ कैसे क्योंकि जैसे एफ आई आते हैं तो कंट्री में क्या आता है कम कंट्री में आता है पैसा कंट्री में पैसा आता है तो मतलब क्या हो रहा है डेवलपमेंट हो रहा है बिकॉज़ यूजिंग दिस मनी

एंड कैपिटल टू दाइजेस इन डेवलपिंग कंट्रीज राइट सो दे आर इन दम ऑफ किसी भी फॉर्म में हो सकते हैंज फंड म्यूचुअल फंड या पेंशन तो अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर दो अलग चीजें इन्वेस्टमेंट के दो प्रकार हैं और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टर इसलिए उन्हें बोला जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमी में जो आपको परेशान करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करिएगा जरूर मेंशन करिएगा सो दैट आई गेट टू नो एज टू व्हाट डू यू वांट टू अंडरस्टैंड अगर 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 अभी हमारा सेशन खत्म नहीं हुआ है लेकिन फिर भी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू नॉट फो टू मैंशन दैट इन कमेंट बॉक्स टू चलिए अब हमारा जो लास्ट डिस्कशन है दिन का दैट इज विच इज़ बेटर एफडीआई बेटर होता है या एफ पी आई सोच के बताइए विच इज मोर बेटर एफ डी आई या एफ पी आई ऑब्वियसली एफ डी आई वाई बिकॉज एजेंडा ही लॉन्ग टर्म पर्पज था लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है मतलब इट इज मोर स्टेबल और यहां इन्वेस्टमेंट जो एफ पी आई में जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी वो हो रही थी शॉर्ट टर्म पर्पज शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए क्यों क्योंकि सिर्फ एजेंडा था मॉनिटरी गेंस होना शॉर्ट टर्म पर्पज में तो ये क्या होते हैं दे आर मोर वॉलेटाइल जैसे ही जैसे ही स्टॉक का प्राइस बढ़ा, अपना प्रॉफिट लिया और इन्वेस्टर निकल जाता है या अगर स्टॉक मार्केट गिरने लग गया है इन्वेस्टर को लग रहा है कि मेरा पैसा सेफ नहीं है इस पर्टिकुलर कंट्री में या इस स्टॉक में दे विल सेल ऑफ द शेयर एंड एग्जिट द कंट्री स्टेबिलिटी कहाँ से आई स्टेबिलिटी आएगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बिकॉज दैट इज वेयर दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर वेल्थ इन दी कंट्री सो इफ एनी वन आस्क यू की विच इज मोर बेटर एफ डी आई इज बेटर एंड यू नो द रीजन नाउ दैट इट इज बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री एंड मोर ऑफ स्टेबिलिटी एफ डी आई इज आर एनी डे बेटर देन दी

चाहते हैं ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल